जय श्री कृष्णा। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ केमिकल बॉन्डिंग के ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज से रिलेटेड 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि इस साल नीट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ओके, तो आइए देखते हैं जिससे हमारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो एंड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हमको मिल सके। विचबन इज अ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, इनमें से कौन सा ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है? तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज वो होती है जैसे कि जिनके आउटर सेल में जिन कंपाउंड के सेंट्रल एटम के आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन्स ऑड नंबर में हो। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में अपन क्या बोलेंगे कि आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं ऑड क्या होगा। तो बच्चों को जल्दबाजी में कोई 3 देखता है, कोई 5 देखता है, कोई 2 देखता है, तो भाई फटाफट से देख लेते कैसे निकालते हैं। बोरॉन के आउटर सेल में बेटा 3, थर्ड ए का मेंबर है, 3 होते हैं, 3 क्लोरीन से जुड़ेगा, ये 3 क्लोरीन से जुड़ेगा। तो देखिए क्लोरीन के बस 7 होते हैं, 7 के साथ ऐसे पेयरिंग करेगा, देख सकते हैं आप कि बोरॉन के आउटर सेल में 6 है और 6 एक इवन नंबर है। ऐसे ही NCl3 की बात करूँ तो NCl में नाइट्रोजन के आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, और 5 क्लोरीन के साथ में ये बॉन्डिंग करते हैं, 5 क्लोरीन के साथ में बॉन्डिंग करते हैं, 5 और 3, 8। तो ये भी ऑड नंबर नहीं है, इवन नंबर, भले देखने में लग रहा है 3, यस। तो 5 पे को चेक कर लेते हैं, 5 को जब हम चेक करेंगे इसमें, तो 5 को जब चेक करते हैं तो उसमें क्या आता है, पी फॉस्फोरस में नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन्स वाला कंपाउंड है जिसके आउटर 5th ए का मेंबर है, तो आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो सेम क्लोरीन्स अटैच हो जाएंगे, 5 क्लोरीन है तो 5 क्लोरीन अटैच हम कर सकते हैं, तो कितने हो जाएंगे टोटल, 10। तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें भी 10 है, 10 एक ऑड नंबर नहीं इवन नंबर है। अब आ जाओ NO2, जो सबसे कम बच्चे लगाते हैं क्योंकि इसमें वो देखते हैं जल्दबाजी में कि इसमें 2 लगा हुआ है, तो नाइट्रोजन के आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। इसमें अगर हम ऑक्सीजन से शेयरिंग मान लें इसकी, जैसे नाइट्रोजन का एक्सेप्शनल केस है बट फिर भी हम देखें तो 4, 4, 8 और 1, 9, तो 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके आउटर सेल में, तो यही ऑड इलेक्ट्रॉन है। अब आप इसमें देखेंगे, इसमें खास बात यह है कि जो 4 एग्जाम्पल हैं ये ऑड तो सिर्फ एक ही है, ऑड का आंसर तो एक ही है, बट ये क्या है, हाइपोवैलेंट क्या होता है, जिनके सेंट्रल एटम के आउटर सेल में लेस देन 8 हो, तो ये हाइपोवैलेंट का एग्जाम्पल है। इसकी बात करूँ तो ये कंप्लीट ऑक्टेट का एग्जाम्पल है, कंप्लीट NCl3 कंप्लीट ऑक्टेट, क्योंकि इसमें 5 इलेक्ट्रॉन पहले से थे और 3 की इसने पेयरिंग कर ली, तो एक कंप्लीट ऑक्टेट का एग्जाम्पल है। एंड PCl5 में 5 पहले से थे और 5 से इसने पेयरिंग कर ली, 5 प्लस 5 10 इलेक्ट्रॉन्स इसमें है, तो ये क्या है, हाइपरवैलेंट का एग्जाम्पल है। और ये किसका था, कंप्लीट ऑक्टेट। और बात आती है ऑड इलेक्ट्रॉन का, तो उसका एग्जाम्पल ये। अभी ऑड इलेक्ट्रॉन का सबसे बेसिक क्वेश्चन है ये वाला, मैंने आपको इसलिए भी दिखाया, ये चारों इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल तो है ही साथ में, जिससे कि आप देख सकें कि हाइपरवैलेंट क्या होता है, जिनके आउटर सेल में मोर देन 8 होते हैं, कंप्लीट ऑक्टेट में आउटर सेल में 8 होते हैं, एंड हाइपोवैलेंट में लेस देन 8 होते हैं, एंड ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि काफ़ी स्पेशल और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। एट 273 केल्विन NO2 इज, 273 केल्विन पर NO2 है, क्या होता है 273 केल्विन पर? ऑप्शन में बोल रहा है डायमैग्नेटिक होता है, सॉलिड होता है, कलरलेस होता है, या फिर ऑल होता है। देखिए अभी अपन ने जस्ट पिछले क्वेश्चन में देखा था कि NO2 एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जो होती हैं उनमें एक ऑड इलेक्ट्रॉन मतलब ऑड नंबर में इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जिससे उनमें एक इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली अनपेयर्ड रहता होगा, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जहाँ होता है वो पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं, जबकि इस क्वेश्चन में वो हमको डायमैग्नेटिक दे रहा है। तो देखो बेटा ये एक स्पेशल क्वेश्चन है, आपको पहले तो ये समझ लीजिए कि जब भी 273 केल्विन होता है, एट 273 केल्विन टेम्परेचर होता है, इसका मतलब है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर NO2 क्या होता है, NO2 के 2 मॉलिक्यूल्स एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर डाइमर बना लेते हैं, N2O4। ये एक स्पेशल बात है आप याद रखेंगे, और N2O4 जो होता है ये सॉलिड फॉर्म में आ जाता है,
दूसरा ये डायमैग्नेटिक होता है एंड ये कलरलेस भी होता है। ये इम्पॉर्टेंट है, तीनों बातें याद रखेंगे। ऐसी इसकी स्ट्रक्चर होती है NO2, है ना, और एक NO2 आपका ये रहा। तो ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनमें था वो दोनों पेयर्ड हो जाते हैं और इस तरीके की स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है ना। और तो याद रखेंगे जब भी अपन इसको चिल्ड करेंगे, ठंडा करेंगे, तो NO2 गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है और सॉलिड के साथ साथ डायमैग्नेटिक हो जाते हैं क्योंकि उसके दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाते हैं एंड कलरलेस होती है। तो आंसर इसका ऑल हो जाएगा। आप स्पेशली इसको याद रखेंगे, ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, NO2 का स्पेशल केस है। ओके, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसी टाइप का एक और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है बिचबर इज नॉट अ पैरामैग्नेटिक स्पीसीज, इनमें से कौन सी स्पीसीज अनुचुंबकीय नहीं है। पैरामैग्नेटिक को हिंदी में अनुचुंबकीय भी बोलते हैं। ऑप्शन में दे रहा है NO गैस, NO2 सॉलिड, ClO2 गैस एंड O2 गैस, कौन सा नहीं है। अब आप पैरामैग्नेटिक मतलब क्या देखते हैं अपन लोग, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। अब आप सब जानते हैं जहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं। अब NO की बात करें, अगर NO में आप देखें तो कॉमन सेंस से आप देख सकते हैं नाइट्रोजन के आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ऑक्सीजन से इसने 2 की बॉन्डिंग की होगी तो क्या हुआ 7, 2 की बॉन्डिंग करेगा तो 7, तो कितने हो गए इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। NO2 सॉलिड, NO2 सॉलिड अभी अपन ने देखा था NO2 सॉलिड किस फॉर्म में होता है, N2O4 की फॉर्म में, N2O4 की फॉर्म में होता है NO2 सॉलिड, मतलब कि एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आपका पैरामैग्नेटिक नहीं होगा, डायमैग्नेटिक था अभी अपन ने देखा था, डायमैग्नेटिक है। लेकिन हमारी नज़र जाती है ClO2 और O2 पे, तो ClO2 भी आप निकालेंगे तो ClO2, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, ClO क्लोरीन के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दो ऑक्सीजन से 4 की पार्टनरशिप होगी, 7 और 4 11, तो इसमें भी 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इसमें भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये भी है ना पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। बट O2 को देख के बड़ा कन्फ्यूजन होता है क्योंकि O2 के एक सेल में होते हैं 6 और दो O2 मिल जाएंगे तो 6 6 12, तो ये तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो पूछ रहा है मतलब कि मुझे जो आंसर दिख रहा है वो NO2 और O2 दोनों ही डायमैग्नेटिक है, जबकि आंसर एक ही लगाना है अपन को। तो अपन याद रखेंगे कि इसका आंसर यही है एक, ये दोनों तो आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए ये क्या होते हैं, इसलिए ये पैरामैग्नेटिक नेचर शो करते हैं। बट O2 का याद रखना, O2 डायमैग्नेटिक होती है, सॉरी O2 पैरामैग्नेटिक होती है, O2 पैरामैग्नेटिक होती है इस, जबकि ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज नहीं है बट पैरामैग्नेटिक है, ये याद रखना। और इसको एक्सप्लेन करते हैं इसको एक्सप्लेन्ड बाय MOT, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगा जब भी, तो उसके बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा आने वाले वीडियो MOT के ऊपर मैं बनाऊंगा, तो उसमें मैं पूरा आपको बताऊंगा कि O2 ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज नहीं है बट पैरामैग्नेटिक होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके अलावा और मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल भी मैं आपको एक बता देता हूँ, KO2 ये भी आपका पैरामैग्नेटिक होता है, ठीक है ना, ये भी आपका पैरामैग्नेटिक होता है। और पैरामैग्नेटिक होने का इसका रीज़न जो होता है सुपर ऑक्साइड फॉर्मेशन होता है। रीज़न क्या है, ऐसे लिख सकते हैं, रीज़न है हमारा सुपर ऑक्साइड जो होते हैं वो भी पैरामैग्नेटिक होते हैं। सुपर ऑक्साइड में O2-1 की फॉर्म में होता है, मतलब दो O के पास एक माइनस होता है। ये एग्जांपल जरूर याद रखना पैरामैग्नेटिक के। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल ये जो एग्जांपल थे वो मैंने आपको दिए कि NO2 सॉलिड फॉर्म में है, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाला केस है, ये N2O4 होता है, जो कि इसको डायमर की फॉर्म में भी बोल सकते हैं, NO2 डायमर भी बोल सकता था, ठीक है ना, तो वो डायमैग्नेटिक होता है। उसके अलावा NO या नॉर्मल NO2 वो भी है ना पैरामैग्नेटिक होता है, ClO2 भी पैरामैग्नेटिक होता है। याद रखेंगे O2 में आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं देखेगा, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज नहीं देखेगा, बट ये पैरामैग्नेटिक होता है, याद रखेंगे। इसको MOT से एक्सप्लेन करते हैं। और KO2 जिसमें सुपर ऑक्साइड है, ये भी पैरामैग्नेटिक का एग्जांपल है बेटा, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इस साल के लिए, इसलिए इनको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, स्टार लगा लीजिएगा 5 स्टार। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको आगे ऐसे ही बैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, इनर्ट पेयर इफेक्ट, हाइब्रिडाइजेशन
बनाना बॉन्डिंग, इस तरीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो केमिकल बॉन्डिंग के, उन सब के ऊपर ऐसे ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो आपको बना के दूंगा, आप उनको नोट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।